एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी आसान लोन के नाम से फाइनेंसिंग का काम करती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी आसान लोन्स के नाम से लोन देती है। बेसिकली ये एक एनबीएफसी कंपनी है, वो कंपनी जो बैंक नहीं है बट लोन देती है। ऐसे ही ये एक उदयपुर बेस्ड कंपनी है, बट ये कंपनी इंडिया के 4 स्टेट्स में काम करती है। कौन कौन से 4 स्टेट्स? राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बट जो इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस है वो राजस्थान स्टेट से आता है। ऐसे ही इस कंपनी की इंडिया के 4 स्टेट्स में 12 ब्रांचेस हैं। वहां पर इस कंपनी के 125 एम्प्लॉयज हैं एंड अभी तक इस कंपनी के 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी 2 व्हीलर की परचेज के लिए लोन देती है, 3 व्हीलर की परचेज के लिए लोन देती है, 4 व्हीलर की परचेज के लिए लोन देती है। ऐसे ये कंपनी बिजनेस लोन्स भी देती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी ओल्ड एंड न्यू व्हीकल दोनों की फाइनेंसिंग का काम करती है। बट अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो देखते हैं तो इस कंपनी ने सबसे ज्यादा बिजनेस लोन्स दिए हुए हैं। इस कंपनी के ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो में से टोटल अप्रोक्सीमेटली 76% लोन्स इस कंपनी ने बिजनेस लोन्स दिए हुए हैं। ऐसे ही इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 14.5% 2 व्हीलर्स लोन दिए हुए हैं, 8.10% 4 व्हीलर्स लोन दिए हुए हैं, ऐसे ही 1.27% इस कंपनी ने 3 व्हीलर्स लोन दिए हुए हैं। अब ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब ये कंपनी सीधे पब्लिक से जाकर लोन नहीं ले सकती। इस कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद में ये कंपनी बाहर लोन बांटती है। अगर आप पब्लिक से लोन्स लेते हो, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हो तो वो आपको एक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाते हैं। बट अगर आप लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। दैट मीन्स उस केस में जो आपकी कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इस कंपनी का काम ही यही है, एक जगह से लोन लो, दूसरी जगह लोन दे दो। बट अगर आपका लोन लेना आपको महंगा पड़ रहा है, दैट मीन्स जो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 13.56% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है एंड 17.79% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये कंपनी लोन देती है एंड बीच में जो मार्जिन बचता है वो इस कंपनी के लिए प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। बेसिकली वो इस कंपनी के लिए सेल्स बनती है। उसके बाद ये कंपनी कुछ खर्चे माइनस करती है एंड उसके बाद में जो अमाउंट बचता है वो इस कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। अब जो ये कंपनियां होती हैं जो लोन देने का काम करती है, उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट अगर उन्होंने किसी कंपनी को लोन लिया एंड उस पर्टिकुलर पर्सन ने, उस पर्टिकुलर कंपनी ने उस लोन को वापस नहीं किया, तब क्या होगा? तब ये कंपनियां काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं एंड इसको हम बोलते हैं एनपीएज। इस केस में अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो 4% हैं, नेट एनपीएज वो अप्रोक्सीमेटली 2% के हैं। ये किसी भी बैंक्स के लिए, किसी भी एनबीएफसी के लिए बड़ी कंसर्निंग पिक्चर मानी जाती है। सो ये एक एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब ये कंपनी सीधी पब्लिक से लोन नहीं ले सकती, जिसकी वजह से कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, उससे कंपनी के जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। सो ये एक एनबीएफसी है, वो कंपनी जो लोन लेती है, बेसिकली ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है एंड दूसरी जगह लोन दे देती है। अब ये कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, दैट मींस ये कंपनी सीधे पब्लिक से जाकर लोन्स नहीं ले सकती, सीधे पब्लिक से जाकर डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, इसलिए इस कंपनी को इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। एंड इस तरह के जो लोन्स होते हैं वो इस तरह की कंपनीज के लिए थोड़े से एक्सपेंसिव लोन्स होते हैं एंड जो इस तरह की कंपनियां होती है उनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। सो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। सो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो वहां पर हमें एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 455 करोड़ रुपीस के, अगले साल ये बढ़कर 374 करोड़ रुपीस पर आ गए हैं, उससे अगले साल ये 390 करोड़ रुपीस पर है एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 417 करोड़ रुपीस पर है। इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस मार्च 2021 में था एंड अगर हम उसको दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो इस कंपनी का एसेट बेस वो घटा है, हालांकि बीच में वहां पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अब इस कंपनी का एसेट बेस तो कम होता जा रहा है एंड इस कंपनी के एसेट बेस में लोन बुक भी आती है, दैट मीन्स इस कंपनी की लोन बुक भी कम हुई होगी एंड अगर लोन बुक कम हुई होगी
तो उस कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी कम हुई होगी, वो हमें इस कंपनी की रेवेन्यू को देखकर पता चलता है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 87 करोड़ रुपीज की, अगले साल वो 67 करोड़ रुपीस पर आ गई, उससे अगले साल इस कंपनी की टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपीस थी, एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 53 करोड़ रुपीस के आसपास है। दैट मींस इस कंपनी का एसेट बेस कम होता जा रहा है, रेवेन्यू कम होती जा रही है, तो जाहिर है इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कम होता जा रहा होगा। तो अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वहां पर हमें ये चीज साफ साफ नजर आ रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 16 करोड़ रुपए का, अगले साल वो घटकर सिर्फ 4 करोड़ रुपए का बचा है। मार्च 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ रुपए का था, 16 करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम था। इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 12.25% का इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी कमा ली है, एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 12 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। दैट मींस इस कंपनी का एसेट बेस, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्च 2021 में थी, अभी भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की लोन बुक उस लेवल पर नहीं पहुंची है। ये किसी भी लोन देने वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर माना जाता है। इस कंपनी की आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 195 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, एंड अगर हम इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़ रुपीस की, अगले साल वो कम होकर 35 करोड़ आई है, फिर वो फर्दर कम हुई है 27 करोड़ रुपीस आई है, एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी की टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, टोटल फाइनेंस कॉस्ट वो अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ रुपीस की है। नाउ अब आप इस कंपनी की बोरोइंग, इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखो तो आपको एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। एंड ये एक एनबीएफसी है, ये कंपनी अपनी इस पोजीशन को किस तरह से ठीक करेगी? ऑब्वियसली ये कंपनी अपनी इस पोजीशन को ठीक करेगी और लोन देकर, जिसके लिए कंपनी को और पैसे चाहिए, एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 132 करोड़ रुपीस का, एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। मतलब इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी फर्दर लोन्स देने के लिए, अपने कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसकी वजह से जो ये कंपनी है इसकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ये कैपिटल के थ्रू ये कंपनी फाइनेंस कर रही है। तो फ्यूचर में इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। 114 से 120 रुपीस का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है, एंड इस हिसाब से इस कंपनी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है आपकी, वो होने वाली है 15,000 रुपीस की। 19 जून को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 21 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 26 जून को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे जो एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किस किस कंपनीज के साथ कंपीट करती है। तो बेसिकली इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड भी हैं, अनलिस्टेड भी हैं। दैट मींस अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस कंपनी ने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनियां हैं एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, सीएसएल फाइनेंसेस। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां इसी तरह की प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। ये जो कंपनियां हैं ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज हैं, जिनकी इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना पड़ता है, एंड जो कंपनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है, ज्यादातर उन कंपनीज के लोन वो थोड़े से रिस्की माने जाते हैं। हालांकि जो ये कंपनियां होती है इनका लोन टिकट साइज वो थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से इनके एनपीएस थोड़े से कम होते हैं। बट ये जो कंपनी है इसके एनपीए अपने कॉम्पिटिशन में थोड़े से हायर साइड में है। ये किसी भी बैंक के लिए, किसी भी एनबीएफसी के लिए बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर मानी जाएगी। ऐसे ही रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में काफी छोटी कंपनी है। बेटर मार्जिन वाइज कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन हो, पैट मार्जिन हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रेवेन्यू हो या फिर रेवेन्यू ग्रोथ हो, हर एक फ्रंट पर इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर आपको इस कंपनी के आईपीओ को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए? आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट इस वीडियो को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत मानना, आपका जो मन करे आप वो डिसीजन लो। हाँ, अपने डिसीजन को थोड़ा सा सोच समझ कर लो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लो। बिकॉज अगर आप ये सब कुछ करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे तो आपका वो डिसीजन गलत होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम होंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।